जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन न्यू वीडियो के साथ आया हूँ और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैटेलिटिक क्रैकिंग के ऊपर कि कैटेलिटिक क्रैकिंग क्या होती है। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्रैकिंग दो टाइप की होती है, एक थर्मल क्रैकिंग, दूसरी कैटेलिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के ऊपर डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, पहले आप उसको देख लें, देन इसको देखें, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैटेलिटिक क्रैकिंग। तो देखो, यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, कैटेलिटिक कैटेलिटिक नाम से ही क्लियर है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, कैटेलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो कैटेलिटिक क्रैकिंग में बोल सकता हूँ ऐसी क्रैकिंग है जिसमें कैटेलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, और जो हमारे कैटेलिस्ट है वो कौन कौन से होंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट होंगे, साथ में कुछ हमारे आयरन ऑक्साइड्स होंगे, किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन क्रोमियम एंड सोडियम के। ठीक है, तो इस सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैटेलिटिक क्रैकिंग। उसमें ये हमारे कैटेलिस्ट यूज होंगे। ऑल राइट, द प्रोसेस जो है हमारी, जो कैटेलिटिक क्रैकिंग है वो जनरली लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कंप्लीट हो जाती है एज कम्पेयर टू थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस में हमारे क्या होता था, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर था, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर होता था। ऑल राइट, लेकिन कैटेलिक में ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कैटेलिक क्रैकिंग कितने टाइप की होती है। तो कैटेलिटिक क्रैकिंग हमारी दो टाइप की होती है, फिक्स्ड बेड कैटेलिक क्रैकिंग एंड मूविंग बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग। ठीक है, हम वन बाय वन कर कर दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड बेड से। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिक्स्ड बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग का फ्लो डायग्राम है, जिसकी मदद से मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन फिक्स बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग, तो आपको ये डायग्राम वहाँ पर बनाना होगा, तो आप इसको याद कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, क्या होगा, इनिशियल जो होगा, इनिशियल केस में आपका जो हेवी ऑयल रहेगा, ठीक है, उस हेवी ऑयल को आप सबसे पहले स्टेज प्री हीटर के थ्रू पास कराएंगे। प्री हीटर में क्या होगा, जो हमारा ऑयल होगा ऑयल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कितना होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, 420 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये जो प्री हीटर है, प्री हीटर के अंदर हम 420 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे। ऑल राइट, अब यहाँ से ये जो ऑयल था, ऑयल हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद दो चैम्बर है, एक कैटेलिस्ट चैम्बर है, एक कैटेलिस्ट रीजनरेटर है। ठीक है, कैटेलिस्ट चैम्बर और कैटेलिस्ट रीजनरेटर। अब क्या होगा, यहाँ से जो क्रैक्ड वेपर है, मीन्स जो यहाँ से जो ऑयल का जो वेपर बना था प्री हीटर से पास होने के बाद, जो वेपर था उसको मैं कैटलिस्ट चैम्बर के थ्रू पास कराता हूँ। मीन्स देखो, ये मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ से जो ऑयल गया वो ऐसे ऐसे यहाँ वेपर बन गया, यहाँ इस कैटलिस्ट चैम्बर से जब पास होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हीटर लगा हुआ है। ये हीटर क्या करेगा, इस कैटलिस्ट को, मीन्स यहाँ पर ये जो चैम्बर है इसको और गर्म कर देगा। ठीक है, हीट करेगा। तो जो ऑयल था हमारा हेवी ऑयल, वो ऑलरेडी क्या हो गया था, वेपर में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इसमें जाने के बाद ये जो वेपर्स होंगे और फाइन वेपर्स में टूट जाएंगे, मीन्स इस कैटलिस्ट की और इस वेपर की आसानी से मिक्सिंग होगी यहाँ पर कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, कैटलिस्ट चैम्बर से क्रैक्ड वेपर्स हमारे निकलेंगे, क्रैक्ड वेपर्स हमारे निकलेंगे। अब ये जो क्रैक्ड वेपर्स निकले हैं किसके, हेवी ऑयल के, इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर पास कराते हैं। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो हमारे कुछ हेवी ऑयल से उसको अलग कर देगा और जो कुछ गैसेस बची है उसको कूल कर देगा, कंडेंस कर देगा। ठीक है, कंडेंस करेगा किसमें, गैसोलीन प्लस कुछ डिजोल्व गैसेस रहेगी इसके अंदर जो हमें मिलेगी। ठीक है, तो डिजोल्व गैसेस हमें इसके अंदर मिल गई, गैसोलीन प्लस डिजोल्व गैसेस। अब मैं इस जो सॉल्यूशन मुझे मिला है इसका, इसको स्टेबलाइजर से पास कराऊंगा।
तो स्टेबलाइजर से जब मैंने इसको पास कराया तो मेरा गैसोलीन अलग हो जाएगा और गैसेस अलग हो जाएगी। तो यही सिंपल सी प्रोसेस है कैटेलिटिक क्रैकिंग की। मेरे ख्याल से पूरा कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ विद डाटा के साथ इस बार, ठीक है? तो देखो, फिक्स बेड कैटेलिटिक क्रैकिंग ये दिया गया है। इसमें क्या होगा, जो ऑयल है उसको हम गर्म करते हैं प्री हीटर के अंदर, ठीक है? अब प्री हीटर का जो टेम्परेचर है वो 420 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑलराइट? ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, और जो उसका प्रेशर है वो 1.5 kg/cm² होना चाहिए, ठीक है? ड्यूरिंग कैटेलिटिक क्रैकिंग 40% इज कन्वर्टेड इंटू गैसोलीन एंड 2.4% कार्बन इज फॉर्म्ड। अब देखो, ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट 40% हमें मिल जाएगा, क्लियर है? अब क्या होगा, ये बार बार, ये सारे डाटा है स्टैंडर्ड डाटा, अब ये ऑयल यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये चैम्बर हॉट होगा, मीन्स हीट होगा। तो ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट एक टाइम के बाद इनएक्टिव हो जाएगा, इन एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे को ये जो कैटलिस्ट है इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। और जो एक्टिव करने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट रीजनरेटर। इसमें कैसे एक्टिव होगा, ये जो कैटलिस्ट रहेगा इसको हम बर्न कर देंगे, जला देंगे, ठीक है? जब इसको हम जलाएंगे तो ये हमारा जो कैटलिस्ट था वो रिएक्टिवेट हो जाएगा, और ये हमारा जो चैम्बर है इसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट रीजनरेटर चैम्बर, ऑलराइट? तो इसका भी मैंने यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है कि जो वेपर हमें कैटलिटिक चैम्बर से मिल रहा है उनको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कर रहे हैं। अब देखो, देखोगे आप तो ये देखो, ये जो वेपर हमारे यहाँ से निकले थे कि इनको हमने किससे पास कराया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, ठीक है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हमने इसको पास कराया, जहाँ पर कुछ ऑयल तो हमारे कंडेंस हो गए और जो हेवी ऑयल्स थे हमारे वो हमने निकाल लिए, ठीक है? और जो अनकंडेंस्ड गैसेस रहेगी वो गैसोलीन के साथ जो रहेगी, मीन्स गैसोलीन जब हमारी कंडेंस्ड होगी तो उसके साथ कुछ डिजोल्व गैसेस भी उसके अंदर चली जाएगी। अब जो गैसोलीन प्लस कुछ अनडिजोल्व गैसेस थी उनको हम स्टेबलाइजर के अंदर पास कराते हैं, जिससे कि जो गैसेस है हमारी रिमूव हो जाए। देखो, ये गैसोलीन अलग हो गया और गैस हमारी अलग हो गई, ऑलराइट? फिर बात करते हैं, हम 8 से 10 घंटे तक उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या आता है, जो कैटलिस्ट अगर हमारा फंक्शन करना बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक लेयर जड़ जाती है, किसकी? कार्बन की। यहाँ पर कंटिन्यू यूज होगा कैटलिस्ट, तो इसके ऊपर ब्लैक लेयर कार्बन की आ जाएगी, किसके ऊपर? कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको फिर से रिएक्टिवेट कर देंगे बाय रिमूविंग कार्बन। कार्बन को रिमूव करने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, या एक्टिवेट कर सकते हैं फिर से हमारे कैटलिस्ट को। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटलिस्ट रीजनरेटर, क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस थी फिक्स बेड कैटलिस्ट क्रैकिंग की। मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग बेड कैटलिटिक क्रैकिंग। थैंक यू।